ये जो पूरी पॉलिटिक्स, क्या अब लगता है कि जो लोग कहते हैं इस बारे में और बीजेपी के लोग बहुत मजबूती के साथ कहते हैं कि जब सारा विपक्ष एकजुट हो जाएगा तब नरेंद्र मोदी अपना कार्ड खेलेंगे, देखिए सब तो एकजुट हो गए मेरे खिलाफ, और फिर जो पोलराइजेशन होगा उससे बीजेपी को फायदा, क्या इस थ्योरी में आपको यकीन है? नहीं, ये एक टाइम पीरियड था जब ये चीजें चल रही थी, और भारतीय जनता पार्टी के पास अभी दो तीन मुद्दे हैं, जैसे परिवारवाद को लेकर के वो चलेंगे, भ्रष्टाचार को लेकर के चलेंगे, और जो सबसे बड़ा कार्ड है वो होगा उनका कम्युनल पोलराइजेशन का। अब अतीक के साथ जो इधर हुआ है उसके बाद की जो घटनाक्रम है वो भी उसी हिस्से में जुड़ती है, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो चीजें उस तरह से नहीं कामयाब होंगी, क्योंकि 9 साल के बाद और भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वहां बहुत सारे परिवार के लोगों को टिकट मिला है, और कर्नाटक में अगर आप देखिए तो वहां तो 40% की बात हो रही है, तो करप्शन के चार्जेस उनके ऊपर बहुत ज्यादा है, और तमाम ऐसे नेता जिन पर करप्शन के चार्ज रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो उस पर कोई बात नहीं हुई है, और अब तक लोग इस बात को जान चुके हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो वो वॉशिंग मशीन है कि जहां पे लोग आते हैं तो उनके पास पर भ्रष्टाचार के कोई चार्ज नहीं रहते, ये बातें लोगों तक लगभग पहुंच चुकी हैं। इधर सतपाल मलिक ने जिस बात को रेखांकित किया और उसके बाद जिस तरह से मोदी सरकार फंसी हुई है, तो जो उनका नेशनलिज्म का जो इशू होता था वो भी अब कार्ड लगभग ध्वस्त होते हुए दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो मुझे लगता है कम्युनल पोलराइजेशन के साथ साथ बीजेपी जो सबसे बड़ा खेल करती है जो हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है वो है जातियों की माइक्रो जो गठजोड़ है वो करती है। अब उसमें उत्तर प्रदेश में ही मैं कह रहा हूं कि अभी भी चुनौती है अति पिछड़ी जातियां और नॉन जाटो दलित, वो क्या इस विपक्ष के साथ आएगा या बीजेपी अपने पास वापस उसको ले जाने में कामयाब होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। दूसरा, जो अभी तेजस्वी यादव के बारे में आप तीनों लोगों ने जो बातें कही है उसमें एक बात मैं और जोड़ देना चाहता हूँ कि जो यादव है वो उत्तर प्रदेश और बिहार का जो यादव है वही बीजेपी के खिलाफ, इसके अलावा चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो और आपका हरियाणा हो, यहाँ का समूचा यादव बीजेपी के साथ है। तो तेजस्वी यादव को सामने रखना, एक तो वो सोशल जस्टिस की जो पॉलिटिक्स के हीरो लालू प्रसाद यादव कभी होते थे, उन लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और उनको जिस तरह से मोदी सरकार ने जेल भेजा, उनको परेशान किया, तो वो एक भी कारण है। दूसरा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी में कहीं कोई वो दुविधा नहीं है, अगले सीएम बिहार के वही होंगे, तो दोनों के बीच कोई कंफ्लिक्ट नहीं है, इसको भी दिखाना, तो एक लार्जर ओबीसी की पॉलिटिक्स को सामने रखना, ये विपक्ष बहुत बारीकी के साथ कर रहा है। लेकिन अभी भी राहुल गांधी दूसरी तरफ, अभी उनके 3 मुख्यमंत्री हैं जिसमें से 2 ओबीसी हैं और 1 अपर कास्ट के हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके दलित हैं। कर्नाटक में तो खड़गे साहब हो या उनकी और पॉलिटिक्स हो वो महत्वपूर्ण साबित होगी, लेकिन इसका उत्तर भारत में भी असर हो सकता है। मैंने शायद आपके ही शो में एक दिन कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में खड़गे साहब को लड़ाया जाए और अमेठी सीट से लड़ाया जाए तो कांग्रेस पार्टी एक बड़ा संकेत दे सकती है जिसका फायदा उसे दलित वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने में हो सकता है। तो अभी बहुत सारी पेचीदगियां हैं और उसका जवाब कैसे विपक्ष के पास होगा कि जो अति पिछड़ी जातियां हैं और जो दलित है उसको वो जोड़े, ये अभी भी पैच बना हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।